हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। आज हम फोर्थ चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर रहे हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द इक्वेशंस, ये आपके पास इक्वेशंस गिवन है, आर नॉट कंसिस्टेंट। आपको शो करना है कि दीज इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे ax इक्वल टू, यानी लिखेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, ax इक्वल टू बी फॉर्म में, वेयर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशियंट्स एक्स वाई जेड, एंड एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड, एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एट ax इक्वल टू बी फॉर्म में, मीन्स 1 1 फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो आ जाएगी, माइनस 2 2 4 7, दिस इज अ मैट्रिक्स ए इंटू एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, माइनस 3 2 7। नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ rank of A equal to rank of A augmented matrix B। तो augmented matrix B बनाते हैं, A augmented matrix B, इसका हम rank find out करेंगे और वहाँ से conditions check करते हैं। Then A augmented matrix B is equal to matrix A 3 1 minus 2 2 4 7, and augmented matrix B बनाएंगे तो B matrix को हम यहाँ पर लिखेंगे -3 2 7। ओके, नाउ वी फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग एकेलन फॉर्म। तो यहाँ से हम एकेलन फॉर्म में चेंज करेंगे इसको और फिर इसका रैंक फाइंड आउट करते हैं। चलिए एकेलन फॉर्म कैसे बनाते हैं, वी रिड्यूस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपको ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, या तो आप केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे या आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 3 से और माइनस कर देंगे सेकंड में, R2 R2 माइनस 3 R1, एंड R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस 2 R1 कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी A argument matrix B, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 इज अ -3, सेकेंड में चेंज कर रहे हैं हम, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, यहाँ पे 0, 1 माइनस 3 इज -2, एंड -2 -3। ठीक है, तो -2 -3 करेंगे जैसे -5, जैसे -9, और जब आप इसको माइनस करोगे तो ऐड हो जाएगा 9 2 11। नाउ इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और थर्ड में से माइनस कीजिए, दिस इज 0, 7 माइनस 2 इज अ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज अ 2, एंड 7 माइनस 2 इज अ 5, एंड दिस इज अ 6, 7 माइनस प्लस हो जाएगा 13। ये मैट्रिक्स आ जाएगी जब हमने अप्लाई किया रो ऑपरेशन। ठीक है, नाउ हमें जो लास्ट रो है उसको 0 बनाना होता है रैंक फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर, सॉरी इक्वेशन नहीं, रोज़ को ऐड कर लेते हैं, R3 R3 प्लस R2, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये प्लसेस हमारे 0 आ जाएंगे। ठीक है, देन A argument matrix B इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड इज ऑल्सो एज इट इज, एंड थर्ड हमने इसको ऐड किया 0, यहाँ पे ऐड करोगे ऑल्सो 0, एंड यहाँ ऐड करेंगे तो 24। अब देखिए इसका हम रैंक चेक करते हैं, यहाँ पे ए मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट है, ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स इज अ ए मैट्रिक्स, अगर हम इस बी मैट्रिक्स को हटा देते हैं तो यहाँ जाएगा 1 फर्स्ट रो माइनस रो एंड लास्ट रो इज अ 0, दिस इज ए मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम इसका रैंक चेक करते हैं, तो देर आर 2 नॉन जीरो रोज, देन रैंक ऑफ ए इज
2 एंड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट मैट्रिक्स बी, इसका रैंक कितना है? इसमें आप नॉन जीरो रोज देखिए, यहाँ पे हम जीरो बना नहीं सकते हैं बिकॉज ये भी आपके पास फिर रिमूव हो जाएंगी। तो इसमें इसमें तीन नॉन जीरो रो हैं तो इसका रैंक आ जाएगा 3। अब हमने कहा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे ये शो करना था दीज आर नॉट कंसिस्टेंट, देयरफॉर यहाँ से हम यहाँ बताएंगे कि एज रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी इम्प्लाइज दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन of equations is not consistent. Okay? तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ पर ये consistent नहीं है, तो आप यहाँ तक करके इसको छोड़। Second question is, apply the test of the rank to examine whether the following system of equations are consistent. ये आपके पास equations given है, 3 equations, rank फाइंड आउट होंगे आर्गुमेंट मैट्रिक्स का, तब आपको बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में, मैट्रिक्स ए आ जाएगी यहाँ से 1 1 1, फर्स्ट सेकेंड रो इज 1 2 3 एंड थर्ड रो इज 1 4 7। एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड दिस। नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी। नाउ वी फॉर्म ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए लिखेंगे यहाँ पे एंड जो बी मैट्रिक्स है दिस इज 1 14 एंड 30। अब हम इसको अकेलन फॉर्म में चेंज करेंगे और रैंक फाइंड आउट करते हैं। अकेलन फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन अप्लाई करना होगा R2 R2 माइनस R1 एंड R3 R3 माइनस R1। ये ध्यान रखना है जब भी आप अकेलन फॉर्म में चेंज कर रहे हो, या तो ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए या ओनली कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपको कॉलम्स को जीरो बनाना होता है, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट रो को जीरो बनाना होता है, जितने भी रोज को हम जीरो बना सकते हैं। डन, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ से जीरो, हम यहाँ से R2 माइनस R1 कर रहे हैं, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 14 8। फर्स्ट में से माइनस करोगे जीरो, 4 में से 1 गए माइनस करेंगे 7, माइनस 1 इज 6 एंड 30 माइनस 6 इज 24। अब हम इस रो को जीरो बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करेंगे R3 माइनस R2। R3 माइनस 3 R2, then argument matrix reduce in first row is as it is, second is also as it is, 1 2 and 8, और last row जैसे ही आप इसको 3 से multiply करके minus करोगे 3 माइनस 3 6 माइनस 6 एंड 24 माइनस 24। हम और जो है सेकेंड रो को जीरो नहीं बना सकते बिकॉज ये हमारी जीरो रिमूव नहीं होनी चाहिए। आपको ऑपरेशन इस तरह से अप्लाई करना है कि ये जीरो हमारी रिमूव नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अकेलन फॉर्म में जो हम बनाते हैं, सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ भी चुके हैं, लीडिंग एंट्री के जो नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें जीरो बनाने होते हैं। नाउ रैंक ऑफ ए देखते हैं यहाँ से, मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू 1 1 0 1 2 0 0 0, इस मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब हम रैंक चेक करते हैं यहाँ से, देन रैंक ऑफ ए देर आर 2 नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 2 एंड देर आर आल्सो 2 नॉन जीरो रोज, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी इज आल्सो 2। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी
विच इज़ इक्वल टू टू देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो रैंक ऑफ ए हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 3, विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। ओके, तो ये हम किस लिए चेक करते हैं कि हमें यहाँ से एक नंबर को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अज्यूम करना होता है, देन यहाँ से निकालोगे कैसे, 3 में से आप 2 माइनस कर लीजिए, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज़ इक्वल टू 1, देन हमें एक वेरिएबल को, वन वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स जो अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ से। नाउ सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, इक्वेशंस बनाओ यहाँ से, आर्गुमेंट मैट्रिक्स से हम इक्वेशन बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को y से और थर्ड को z से, और इक्वल टू दीज कॉन्स्टेंट्स, और हम रो वाइज इसको ऐड कर लेते हैं, मीन्स इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम को y से, उसको z से, देन x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6, दिस इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x का मल्टीपल 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y प्लस 2z इक्वल टू 8, तो दो इक्वेशन आएंगे हमारे पास, अननोन्स 3 है, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से हमने यहाँ निकाला था कि एक हम अज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लेट z इज इक्वल टू k इज अ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 2z, 8 माइनस 2k, y की वैल्यू मिल गई हमें, सेम टू सेम यहाँ से फर्स्ट इस इक्वेशन से x के निकाल लेंगे, x इक्वल टू 6 माइनस y माइनस z, देन 6 माइनस y की वैल्यू 8 माइनस 2k प्लस हो जाएगा, एंड माइनस जेड की वैल्यू के, तो 6 माइनस 8 इज अ माइनस 2 एंड प्लस के, तो x आ गया हमारे पास के माइनस 2, y की वैल्यू है 8 माइनस 2k एंड जेड इज अ के, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन थर्ड के बहुत सारे पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं वो करवा रही हूँ आपको, चेक द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व इट। ये आपके पास इक्वेशन दे रखे हैं, आपको इसको बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप चेंज कीजिए ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में, ठीक है, यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी। नाउ रैंक ऑफ ए फाइंड आउट, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी बनाते हैं, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन के कॉफिशेंट्स लेंगे 1, 2, -1, सेम टू सेम नेक्स्ट के 3, -1, -2, 4, 3, 1, ए मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी बनाते हैं, तो बी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ राइट हैंड साइड 6, 3 एंड 9, दिस इज द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अप्लाई करेंगे उसको अकेलन फॉर्म में चेंज करेंगे, R2 -3R1 एंड R3 4R1, ए आर्गुमेंट मैट्रिक्स बी इज इक्विवेलेंट 1, 2, -1, 6, यहाँ से आ जाएगा 0, -1, -6 इज अ -1 और -6 करेंगे -7, -2, -, प्लस हो जाएगा और हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 + 3 इज अ 1 एंड 3 -18 -15, सेम टू यहाँ से कीजिए 0 हो जाएगा, 8, 3 - 8 इज अ -5, यहाँ से -1 - और - करेंगे -4 प्लस हो जाएगा 5, एंड आप इसको करोगे तो 4 से करना है तो 9 - 24, ठीक है, क्योंकि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 - 24 इज अ, देन यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा -3, 5 से डिवाइड कर दिया हमने, अब हम इसको ऐड करके यहाँ पे 0 बना सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हम R3 - R2, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी इक्विवेलेंट, ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से 1, 2, -1, 6 फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो,
और थर्ड में हमने दोनों को ऐड किया है, तो 0 प्लस 0 इज 0, यहाँ से आ जाएगा। और जब माइनस किया हमने R3 माइनस R2, तो माइनस 1 और प्लस हो जाएगा, ये प्लस 7, 6 आ जाएगा यहाँ से। एंड ये माइनस करेंगे 0, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 3 और प्लस 15, दिस इज 12। ओके, अब चेक करते हैं हम रैंक ऑफ दिस। यहाँ से ए मैट्रिक्स इस इक्विवेलेंट आ रही है। अगर मैं यहाँ से ए मैट्रिक्स देखती हूँ, तो मैट्रिक्स ए इज 1, 2, -1, 0, -7, 1 एंड 0, 6, 0। देर आर 3 नॉन जीरो रोज, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। एंड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट मैट्रिक्स बी इज, देर आर 3 नॉन जीरो रोज, तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक भी क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों का रैंक इक्वल, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देन हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट मैट्रिक्स से इक्वेशन बना के। तो इक्वेशन आ जाएंगी यहाँ से एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज माइनस 7y, और इसमें x1 x2 x3 है, तो आप यही लोगे x1 प्लस 2x2 माइनस x3, एंड सेकेंड इज माइनस 7x2 प्लस x3 इक्वल टू माइनस 15, सेकेंड इक्वेशन। 6x2, x1 और x3 मल्टीप्लायर्स आर 0, तो 0 हो जाएंगे इक्वल टू 12। यहाँ से x2 की वैल्यू मिल जाएगी 2, यहाँ पुट करेंगे x3 की आ जाएगी, और x3 की पुट करेंगे यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी। देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल द इक्वेशंस, ये आपके पास इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन फेल टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होगा। Will the equation have any solution for this value of lambda? अब बताना है कि यूनिक सोल्यूशन लैमडा के किस वैल्यू पे ये आ सकता है। देन सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म। ए इज अ कोफिशियंट मैट्रिक्स हो जाएगा, 3, -1 लैमडा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज दिस 2, 1, 1। थर्ड इज अ 1, 2, -λ। एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स के, एंड इक्वल टू बी इज कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड पे जो होते हैं दिस। नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ matrix A is non-singular, ठीक है। non-singular matrix क्या होती है, जहाँ पर determinant not equal to 0 आता है, ठीक है। If determinant of A not equal to 0, if determinant, ये matrix है हमारे पास A matrix, determinant of this 3, -1, λ, 2, 1, 1, 1, 2, -λ है, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, 3, -1, λ, दिस इज 1, 2, -λ। अपन करेंगे तो इसका सॉल्व एक्सपेंड कर लेना इसको, -2λ, -7, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। नाउ ए इज नॉन सिंगुलर, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2λ, -7 नॉट इक्वल टू 0 आए, देन लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 7/2 आए, या -7/2। देयरफॉर कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। हमने कहा कि हमारे जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, देन इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ, ये नॉन सिंगुलर कब होगी, जब लैम्डा नॉट इक्वल टू -7/2 होगा। तो इस वैल्यू के लिए जो है वो
हमारे यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। इसने पूछा कि विल द इक्वेशन हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इस वैल्यू पे लैम्डा नॉट इक्वल टू -7/2 होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वैल्यू पे हमारा जो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.1 के, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करवा दूंगी नेक्स्ट जब भी एक्सरसाइज करेंगे हम 4.2 या नेक्स्ट लेक्चर में। देन तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।